हमें जो है ना पच्चीस नो क्वेश्चन है एंड गेट हम आज फेरफार करो अन्य शब्दों का उपयोग था जो बने स्विच है ओली समांतर में जोड़ी थी एना बदले हमें श्रेणी में जोड़ी दो आ ए आ बी चलो बल्ब चालू क्या रहा था आ ए बंद रही से तो आ तो खुली है तो बल्ब चालू नहीं थे चालू क्या रहा था बे ही बंद हो गई ए अने बी बने स्विच बंद हुई तो बल्ब चालू थे एवो अने शब्द तो आज ही परिपथ छे ई परिपथ एंड गेट नो परिपथ था तो उन्हें जमा लखाण करव तो आ लखी के एंड गेट नु कार्य समझवा माटे आकृति में दर्शाएल बे स्विच अने बल्ब नी मदद थी बनतो परिपथ विचारो आ स्विचो नी स्थिति अने तेना अनुरूप बल्ब नी स्थिति बाजूना कोष्टक में दर्शाएली है अरे स्विच नी तो स्थिति का बे ओपन होय का आ ओपन आ क्लोज अथवा आ ओपन आ क्लोज अथवा बन्ने क्लोज तो बन्ने ओपन होय तो बल्ब रहे ओपन पछी आ ओपन ने आ क्लोज होय तो ही ऑफ आ क्लोज अने आ ओपन होय तो प्रवाह नहीं आवे तो ही ऑफ अने बन्ने स्विच बंद है तो ऑन हटरूट टेबल तो स्विच एने इनपुट ए स्विच बी ने इनपुट बी अने बल्ब ने आउटपुट वाई तरीके ले लो अने ट्रूथ टेबल नीचे प्रमाण था हालो आ तो एम नमज रियुस आ ऑफ એટલે અહીં 0 અહીં 0 અહીં 0 અને છેલ્લે એક અને ડોટ વાળા દર્શાવવામાં આવે છે એન્ડ ક્રિયા તો કાર્ય શું આવશે તો બંને ઇનપુટ એક હોય તો જ આઉટપુટ એક મળે બાકી બધે 0 મળે તો જો આનું કાર્ય બંને ઇનપુટ એક હોય તો આઉટપુટ એક મળે નહીતર આઉટપુટ 0 થાય પછી બુલિયન સમીકરણ તો વચ્ચે ડોટ વડે દર્શાવવામાં આવે છે ઈ ક્રિયા તો લખાય કે ડોટ છે એ ગુણાકાર નથી હું દર્શાવું છું તો એન્ડ ક્રિયા દર્શાવે છે વચ્ચે આ રીતના વાય બરાબર એ અને બી પરિપથ સંજ્ઞા જોતી હોય તો ત્રણ લીટી સીધી અને એક અહીંથી આમ ભરેલી આ બે ઇનપુટ અને એક આઉટપુટ રેડી આની પરિપથ સંજ્ઞા એટલે આગળના પ્રશ્ન ઉપરથી આખો પ્રશ્ન તૈયાર થઈ જાય